हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म वार्निंग 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि वार्निंग 2 आज अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस के ऊपर कितनी कलेक्शन करने वाली है और कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाने वाली है। तो दोस्तों, बस आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग भी गिप्पी ग्रेवाल को एक बेहतरीन एक्टर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अगर बात करें गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म वार्निंग 2 के बारे में, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि गिप्पी ग्रेवाल एक दफा फिर से एक एक्शन मूवी लेकर हाजिर हो चुके हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपने पहले ही दिन कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस फिल्म के अंदर हमें गिप्पी ग्रेवाल के साथ प्रिंस कमलजीत सिंह और साथ साथ दोस्तों जस्मीन अहम किरदारों में नजर आई हैं। और दोस्तों, ये फिल्म काफी जबरदस्त है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छी खासी कलेक्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों को बताता चलूं कि इस फिल्म को अमार हुंदल की डायरेक्शन में बनाया गया है। और अगर बात की जाए यहां पर फिल्म के बजट की, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए के अराउंड है। और दोस्तों, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट होने के लिए लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की कलेक्शन करनी होगी। और भाई साहब, हमें इस मूवी के सॉन्ग्स काफी जबरदस्त देखने को मिले हैं। और दोस्तों, इस फिल्म के अंदर हमें एक्शन सीन्स भी काफी ज्यादा बवाल देखने को मिले हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपने पहले ही दिन अच्छी खासी कलेक्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। तो वहीं दोस्तों, ये फिल्म अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए के अराउंड ओपनिंग करते हुए हमें नजर आ सकती है। और अगर दोस्तों इस फिल्म को अच्छे खासे रिव्यूज मिले, तो दोस्तों ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर कैरी ऑन जट्टा 3 की तरह अच्छा खासा लाइफ टाइम कलेक्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर लंबी रेस का घोड़ा बन पाएगी या नहीं? कमेंट पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।